हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज ना हम लोग दुबई फ़िश एंड वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं। बहुत पहले ये जो फ़िश मार्केट था, ये दुबई गोल्ड सुक जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में हुआ करता था। अभी तो वो जगह पहचान में नहीं आएगी। ये फ़िश मार्केट को वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ले आया गया है, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। और गोल्ड सुक के ऑपोजिट वाला जो जगह है, वो जगह पूरी नई तरीके से उन लोगों ने पूरा डेवलप किया है। बिल्कुल ही उस जगह का जिसको बोलते हैं काया पलट हो गया है। जिनको ऐसे फ़िश मार्केट वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मैं पहले ही बता रही हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें बुरी लगती है तो आप ये वीडियो मत देखिए। तो ये हम पहुँच गए हैं फ़िश मार्केट, और ये देखिए कितना बड़ा मार्केट है। और ये ना पूरा एकदम इंडोर है और पूरा एसी है यहाँ पे। पहले पुराना वाला जो मार्केट था ना, उसमें ऐसा एसी वगैरह नहीं था, बहुत गर्मियों के दिनों में मुश्किल हो जाती थी वहाँ पे, लेकिन इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है। और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ये लोग। ये क्रैब का साइज़ देखिए, कितना बड़ा क्रैब है। ये ना 2 किलो का था। हमने यहाँ से एक क्रैब लिया है, पर वो 1 kg का था। ये 2 किलो का क्रैब हम दोनों के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उमा तो अभी ये सब नहीं खा सकती। तुम्हें फिश देख चो? ओ हाथ बड़ा चेटा करने में। यहाँ पे जितने सारे शॉप्स हैं ना फ़िश के, यहाँ से अगर आप फ़िश खरीदोगे तो ये फ़िश ये लोग यहाँ पे कट करके नहीं देते। यही फ़िश मार्केट में दूसरा एक सेक्शन बना हुआ है फ़िश कट करने के लिए। तो वहाँ पे आपको जो जो फ़िश आपको लेना है, आप पहले खरीद लो, उसके बाद आप कटिंग करने के लिए उस सेक्शन में जाओ। वहाँ पर फ़िश कट करने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, फिर वो लोग कट करके देंगे। तो इसीलिए नॉर्मली हम लोग लुलू वगैरह से फ़िश ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ से फ़िश खरीदते हो ना तो वही लोग कट करके दे देते हैं, और कटिंग के लिए अलग से कुछ चार्जेस नहीं होता वहाँ पे। यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको लाइव लॉबस्टर, फिर लाइव केकड़ा, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं टैंक के पास जाके ये सब कुछ देख रही थी, और मुझे ये केकड़ा देख के ना कैसा अजीब सा लग रहा था। इस टाइप का समुद्री जो केकड़ा होता है, ये मैंने कभी नहीं ट्राई किया। हमारे फिशेस याद आ रहे हैं नहीं? जहाँ पे लाइव लॉबस्टर एंड केकड़े थे ना, उसी के बिल्कुल साइड में ही टैंक्स में ऐसे गोल्ड फिश रखे हुए थे। हमें नहीं पता वो लोग वो सेल करते हैं या नहीं, पर वो देख के ना हमें हमारा फ़िश टैंक याद आ गया। पहले तो हमारे पास भी गोल्ड फिश था। और ये देखिए, एक शॉप में ना हमें ऐसे छोटे छोटे केकड़े भी मिले जो कि ऐसे ज़िंदा थे। और हम बंगालीज लोग ना ऐसे ज़िंदा केकड़ा ही खरीदते हैं खाने के लिए, मरा हुआ कभी नहीं खरीदते। हमें नहीं पता था कि समुद्री केकड़ा जो यहाँ पे मिलता है, उसके अलावा भी ऐसे छोटे छोटे केकड़ा भी यहाँ पे लाइव मिल जाता है। नहीं तो हम लोग यही खरीदते, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये ज़िंदा केकड़ा मिलता नहीं है करके हम लोग कभी केकड़ा नहीं खरीदते। और आज एक खरीद लिया, उसके बाद देखा कि यहाँ पर छोटा छोटा तो ज़िंदा वाला भी मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि हम वो छोटे और ज़िंदा वाला केकड़ा ही लें। फ़िश मार्केट से जो जो फ़िशेस वगैरह लेने थे वो तो सब हमने ले लिया है। अभी हम लोग जाएंगे वेजिटेबल मार्केट की तरफ। लेकिन फ़िश मार्केट से वेजिटेबल मार्केट की तरफ जाते हुए बीच में एक सेक्शन है जहाँ पे आपको दूसरे टाइप का शॉप्स भी मिलेगा। यहाँ पे कपड़ों की दुकान से लेके तरी तरीके की चीज़ों के शॉप्स यहाँ पे है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये एक मॉल है। पहले तो सिर्फ टिपिकल जैसे फ़िश एंड वेजिटेबल मार्केट हुआ करता था, उसी को वो लोग यहाँ पर शिफ्ट करके लेके आए हैं। और अभी यहाँ पर एक अच्छा सा मॉल टाइप का बना दिया है जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर आप दुबई घूमने आ रहे हो और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे आके भी ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ़िश ख़रीदने के बाद अभी हम लोग वेजिटेबल मार्केट की तरफ भी जाएंगे। कुछ कुछ वेजीज एंड फ्रूट्स हमें लेने हैं, लेकिन उससे पहले मैं उमा को खाना खिला रही हूँ। बेचारी को भूख लग गई है, इसको एक बार खाना खिला दो, उसके बाद वेजिटेबल सेक्शन में जाऊँगी। Yes.
ऊपर ये शांडिलियर देखिए कितना खूबसूरत है। फिश एंड वेजिटेबल मार्केट है तो ऐसे फिशेस के थीम पे ये शांडिलियर बना हुआ है। देख के लग रहा है जैसे समुंदर के अंदर फिशेस एक साथ तैरती है ना, बिल्कुल वैसा ही। और अभी हम लोग जा रहे हैं वेजिटेबल मार्केट के अंदर। यहाँ पे एकदम फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल जाती हैं और बहुत सारा ऑप्शन एक ही जगह पे मिलती है। यहाँ पे आके तो आज एक चीज़ देख के मैं खुश हो गई, वो है कोलार कांधी। अभी उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये देखिए कटहल, क्या नहीं मिलता दुबई में। कौन बोलेगा कि हम लोग देश से बाहर है, सब कुछ मिल जाता है फ्रूट एंड वेजिटेबल में यहाँ पे। वाटरमेलन। और ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कोलार कांधी। ऐसा पर पेटी बेच रहा है, किलो बेच रहा है? क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल खरीदते खरीदते बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। और यहाँ ना फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से बाहर आते ही सामने ये एरिया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर दिन के वक्त आए तो और भी अच्छा लगता है, सामने पूरा ये वाटर बॉडी है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। की सुंदर जाएगा ना माँ, बाहर गर्मी है लेकिन पानी के पास ना थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है तो इतना गर्मी फील नहीं हो रहा, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिश एंड वेजिटेबल्स लेते लेते ही काफी टाइम हो गया है तो अभी जल्दी जाना पड़ेगा हम लोगों को। किसी और दिन आएंगे तो तब यहाँ बाहर रुकेंगे थोड़ी देर। ये घर से आ रहा है, ये फार्म से आ रहा है, इसलिए छोटा छोटा है। 25 से 30 से इधर क्या डजन रंड रंड नहीं रंड गल हां रंड गल और दिस इज लाइक टू योर टू योर। और यहाँ पे एक शॉप में ना अंडे मिल रहे थे, जो देसी मुर्गी होते हैं उसके अंडे, फिर ये है शुतुरमुर्ग के अंडे, फिर कोयल के अंडे भी मिल रहे थे। ओह माय गॉड, जीवन में प्रथम बार तो কাছের থেকে দেখি আর টাচ করে দেখি বাবা, এই তো বডিটা একটু ডিমের মতো না, মনে হচ্ছে কোনো বেল টেল কিছু ধরছে না। ও রেখে দাও বাবা, ভেঙে টেঙে গেবে। নেই নেই টুটে গেছে, ये गिरेगा तो डेफिनेटली टूट जाएगा। फिश एंड वेजिटेबल खरीदने आओ ना तो काफ़ी वक्त लग जाता है, हर चीज़ अच्छे से देख के लेना पड़ता है, फिशेस ठीक है या नहीं, फिर जो वेजिटेबल हम लोग ले रहे हैं वो प्रॉपर ठीक है या नहीं, तो ये सब कुछ देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसीलिए बाहर का जो एरिया है वो भी हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी ये जो पार्किंग लॉट में चल के गाड़ी तक जाना पड़ रहा है ना, इसी में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। पार्किंग लॉट में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आज घर जाके भी बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि फिशेस तो हम लोगों ने खरीद लिए हैं लेकिन उसको कट नहीं करवाया, तो घर जाके वो सब कुछ कट करना है, क्लीन करना है, उसके बाद ही हम लोग रेस्ट कर पाएंगे। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यही तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।